नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनपद की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर देखे सामने मौत, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी के नेताओं के बड़े बड़े दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। टीएमसी ने एक तरफा चुनाव जीता है। दोस्तों बताएंगे आपको पंचायत चुनाव में किस तरीके के नतीजे सामने आए, और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को अब तक का सबसे तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों ईडी के डायरेक्टर को ही कुछ दिनों में छोड़कर जाने की दे दी है चेतावनी। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसके साथ में जीएसटी काउंसिल में विपक्षी नेताओं ने जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। साथ साथ बिहार के विधानसभा में तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जमकर काटा बवाल। बताएंगे कुर्सियां तक फटकी गई है दोस्तों, जिसके बाद तेजस्वी यादव की ओर से भी टिप्पणी सामने आई। और महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी पार्टी में फूट के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर सारे नेताओं की बैठक बुलाई गई है दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़े ऐलान किए हैं। और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस की ओर से कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है दोस्तों। इसी के साथ में एनसीपी के चीफ शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच शेयर करते दिखाई दिए हैं दोस्तों, जिसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर केवल एक ही चेहरा है जिसे देखकर जनता वोट डालती है, और वो ममता बनर्जी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से वोट देकर मुख्य विपक्षी दल बनाए थे, जिसके बाद बीजेपी के लोगों को उम्मीद थी कि पंचायत चुनाव अंदर भी टीएमसी को कड़ा मुकाबला देंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत का दावा कर रही थी। बीजेपी ने बड़े बड़े सांसदों को चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उतार रखा था दोस्तों, यहां तक कि केंद्रीय बलों की नियुक्ति को लेकर भी बीजेपी की ओर से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों को नियुक्त करने के आदेश भी दे दिए, और इसके बाद गवर्नर और सरकार के बीच में जमकर खींचातान भी देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों अब पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार टीएमसी ने 63,229 सीटों के नतीजों में से सामने आए लगभग 18,000 नतीजों में से 14,000 सीटें जीती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3,000 के आसपास सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 783 सीटें जीती है, सीपीएम को 1,000 के आसपास सीटें मिली है दोस्तों, यानी 17,000 के नतीजों में से टीएमसी ने एक तरफा चुनाव जीतने की ओर रुख कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से लगभग 3 गुना कम सीटें लेकर दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर सीपीएम पार्टी है, और चौथे पर कांग्रेस पार्टी है, यानी दोस्तों बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी तो जनता ने बनाया है, लेकिन टीएमसी से अंतर की बात करें तो बीजेपी कोसों दूर है। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय मिश्रा 31 जुलाई 2023 तक निदेशक के पद पर बने रहेंगे, और उसके बाद आगे उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि ईडी के चीफ है संजय मिश्रा, जिनको तीसरी बार सेवा विस्तार बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिया था। 8 मई को सुनवाई के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था दोस्तों, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कह दिया कि ईडी के किसी भी कानून के तहत 3 बार एक्सटेंशन को लेकर कोई बात नहीं है, और केंद्र सरकार ऐसे कदम नहीं उठा सकती। अगर सरकार को आज ऐसे करने दिया गया कि बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो इसका दुरुपयोग भविष्य में भी किया जा सकता है, और इसीलिए केंद्र सरकार को स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दे दिया गया है कि 31 जुलाई तक संजय मिश्रा का कार्यकाल होगा, इसके आगे नहीं बढ़ाया जा सका। कुल मिलाकर दोस्तों कुछ दिनों का और समय बचा हुआ है, ईडी के डायरेक्टर बदले जाने वाले हैं, और ये बीजेपी सरकार के लिए सबसे तगड़ा झटका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जाते हैं ईडी के वर्तमान निदेशक संजय कुमार मिश्रा। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पत्रकार दीपक मिश्रा बोले, कहा जिस ईडी का देश भर में खौफ है, जिस ईडी ने 95% छापे विपक्षी नेताओं पर मारे हैं, उस ईडी चीफ का सेवा विस्तार अवैध था, आज सबको पता चला है। यानी दोस्तों जिनके नेतृत्व में ईडी काम कर रही थी उनका सेवा विस्तार ही अवैध है, यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे देश के अंदर संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चल रही थी, और इस दौरान 50 बड़े कदम उठाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में लाने के फैसले का विरोध किया गया। विपक्षी दलों के द्वारा शासित राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधीन कर दिया है, यानी जीएसटी के अंदर पहले किए गए कोई भी फर्जीवाड़ा ईडी के अधीन नहीं था दोस्तों, यानी ईडी उस पर जांच नहीं किया करती थी, लेकिन अब पीएमएलए एक्ट में डालकर सीधा ईडी के कंट्रोल में जांच को डाल दिया गया है, यानी जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी मामले होंगे अब उस पर ईडी भी जांच कर सकेगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये व्यापारियों को परेशान करने के लिए लाया गया है, इस तरीके से बदलाव करके छोटे व्यापारियों को खासकर परेशान किया जा सकता है, छोटे व्यापारी इससे काफी परेशान होंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले को फौरन वापस लेने की मांग की।
जारी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जोरदार विरोध किया गया है। दोस्तों साथ साथ बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र मंगलवार बीते दिन शुरू हो चुके हैं, लेकिन पहले ही दिन दो जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिला। विपक्षी नेताओं ने लैंड फॉर जॉब मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन शुरू होने के साथ ही वेल में पहुंचकर हंगामा किया, यहां तक कि कुर्सियां पटकी गई है। दोस्तों हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई के द्वारा हाल फिलहाल में लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, इसमें तेजस्वी यादव का नाम भी ऐड किया गया था। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है और नीतीश कुमार से जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। देखते हैं दोस्तों इस पर नीतीश कुमार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। साथ साथ विपक्षी एकता की बैठक बेंगलोर के अंदर होने वाली है और उससे पहले जो जानकारी सामने आ रही है, वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बेंगलोर में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी खुद शामिल हो सकती है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी एनसीपी के विवाद से अलग अपनी पार्टी के विस्तार को लेकर जबरदस्त चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अभिमान को ठेस पहुंचाया है। खड़गे के अलावा राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक जालसाजी का बराबरी से जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता भाजपा द्वारा किए गए जनादेश पर लगातार हमले पर करारा राजनीतिक उत्तर देगी। हमारे नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र की जनता को उनको अपनी सरकार वापस दिलवाएंगे। हम महाराष्ट्र की जनता के मन में अपनी जगह हमेशा से बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र और कांग्रेस के गौरवशाली रिश्ते को हम और मजबूत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये बातें स्पष्ट कर दी गई है कि कांग्रेस पार्टी का काफिला आगे की ओर बढ़ता चलेगा और महाराष्ट्र के अंदर खोई हुई जमीन को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार तत्पर है। दोस्तों यानी चार पाँच दिनों पहले ही जो हुआ है उस पर कांग्रेस पार्टी ने अचानक से बैठक बुलाकर ये संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र को लेकर भी काफी सीरियस है। खासकर एनसीपी के टूटे जाने के बाद ये बात तो तय है कि एनसीपी के जो वोट कम होंगे वो सीधा कांग्रेस पार्टी के खाते में आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का वोट बैंक एक ही है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र के अंदर अपने नेताओं के साथ बड़ी यात्रा करने वाली है। सितंबर के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर पदयात्रा की जाएगी। नवंबर और दिसंबर के अंदर तीन अलग अलग बस यात्राएं महाराष्ट्र में निकाली जाएगी। राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। यानी दोस्तों फुल फ्लेज कैंपेन लॉन्च करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। साथ साथ महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चले और उसे सजा मिले। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पीछा करने और छेड़खानी का मामला बनता है। पुलिस का कहना है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो 6 मामले दर्ज हैं उनमें से एक ऐसा था जिसमें वह लगातार छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस ने FIR में ब्रजभूषण के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा 506, महिलाओं से छेड़खानी की धारा 354, यौन उत्पीड़न की धारा 354A के तहत केस दर्ज किया है। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जो 6 मामले दर्ज किए गए हैं उसमें 354, 354A, 354D जैसे गंभीर मामले हैं। देखते हैं इस पर पुलिस की ओर से और भी क्या रिपोर्ट दी जाती है दोस्तों, कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि 108 गवाहों के बयान की बातें पुलिस ने की है और चार्जशीट में बीजेपी के नेता के खिलाफ मजबूत सबूत दिखाए हैं। साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में फिर बड़े उलटफेर के संकेत, उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे गुट के कई विधायक। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बाद अब राज्य में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले राज्य कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राज्य में मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में एनसीपी का एक धड़ा शिंदे गुट और फडणवीस सरकार गुट के समर्थन में आ गया था। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम और उनके साथ आए 9 नेताओं को मंत्री पद पर शपथ भी दिलवा दी है दोस्तों, लेकिन अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को लग रहा है कि उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा और यही बड़ा कारण है कि अब वह उद्धव ठाकरे से संपर्क साध रहे हैं। साथ साथ दोस्तों श्रीनिवास बीवी कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें टाइम्स नाउ की पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से कुछ कड़े सवाल पूछ रहे हैं, जिस पर भड़क गए ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पत्रकार से अभद्र व्यवहार करने लगे। यहां तक कि अपने गाड़ी के गेट से धक्का मारने की कोशिश भी की है जिसमें माइक नीचे गिर गया और इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता के घमंड को लेकर सवाल पूछे और भाजपा से कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि बीजेपी अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही दोस्तों, जैसे तैसे मामले को साइड टालने की कोशिश कर रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। सांसद प्रियंका गांधी भी बोली, कहा कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए, लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को क्यों बचाया जा रहा है, मामले को दबाया जाता है, जांच में मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक बीजेपी में क्यों है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। प्रियंका गांधी की ओर से ये कठोर सवाल
सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों साथ साथ एनसीपी में मतभेद और शरद पवार के भतीजे के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष रोहित तिलक ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। यह पुरस्कार समारोह के 41वें वर्ष और लोकमान्य तिलक के 103वें पुण्य तिथि पर दिया गया है। पुरस्कार समारोह 1 अगस्त 2023 को पुणे में होगा। रोहित तिलक ने यह भी कहा कि आश्चर्य की बात है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, वहीं प्रधानमंत्री इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि वे अपने अपने भाषण में किस तरीके के विचार व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखी जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़ने से दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।